रसोई के रहस्य, आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सब को टटोले हम। रसोई के रहस्य, आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सब को टटोले हम। रसोई के रहस्य, आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य, आओ मिलकर खोले हम। नमस्कार, रसोई के रहस्य के लिसनर्स कंट्रीब्यूशन के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस बार फिर से वीना मेहता वर्मा हमारे साथ अपने वन पॉट मील्स के क्विक आइडियाज लेकर आए हैं। सिर्फ इस बार जो है उनका बेस इंग्रेडिएंट होगा रोटी। हाँ, जो आप रोज खाते हैं और आपके बच्चे आपको बोलते हैं ये क्या दे रहे हो, वही बोरिंग चीज रोज रोज। तो चलिए सुनते हैं वीना हमको बता रही हैं कि इसको एक्साइटिंग कैसा बनाया जाए, रोटी को लेकर बच्चों को और फैमिली में दूसरे लोगों को किस तरह से इंटरेस्टिंग चीजें झटपट और फटाफट बनाई जाए। चलिए सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं वीना मेहता वर्मा दिल्ली से। आज मैं आपके साथ रोटी की कई रेसिपीज शेयर करने आई हूँ। फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने आपके साथ वन पॉट मील के बारे में बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर की थी, तो उसी कड़ी में मैं आपके साथ कुछ रेसिपीज शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ हमारे पास बची हुई रोटियों को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरेस्टिंग वे में और टेस्टी डिशेस बना सकते हैं। जो भी मैं आपके साथ डिशेस शेयर कर रही हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने इन्हें ट्राई किया है, काफी अच्छा टेस्टी बना है जितने भी मैंने डिशेस ट्राई की हैं और सबको पसंद आया है। तो अगर हमारे पास बच जाती हैं रोटियाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी रोटी बच जाती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम उन्हें कैसे इस्तेमाल करें। बहुत बार होता है कि हमें उन रोटियों को नहीं खाना होता सुबह, लेकिन फ्रेंड्स हम रोटियों को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन बची हुई रोटियों को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और बात आपके साथ शेयर करूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बची हुई रोटियों को ही, ये जो मैं डिशेस शेयर करूंगी उनको बनाने में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रेश रोटी भी यूज कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आप लोग सुबह की रोटी बनाते हैं, शाम तक हम यूज करते हैं क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम नहीं हो पाता, तो वो भी रोटी आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है रोटी का पोहा। आप पोहा बनाते हैं चुड़वे का, यहाँ पे आप चाहें तो बची हुई रोटियों का भी पोहा बना सकते हैं। करना क्या है आपको, अगर आपके पास बहुत सारी रोटी है तो उनको आप हाथ से कोर्स्ड पीसेस कर लें, बहुत पाउडर नहीं, उसको हमने जैसे चुड़वे के स्मॉल फ्लैटन राइस के जो दाने होते हैं उतने बड़े बड़े कर सकते हैं, तो हम उन्हें हाथ से भी कर सकते हैं और चाहें तो हम छोटे स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं, चाहे कैंची से चाहे चाकू से। उसके बाद आप जैसे भी पोहा बनाते हैं, बहुत सारी वेजीज लेकर के, मूंगफली डालकर, मस्टर्ड सीड का छौंक लगाना, लास्ट में जब हमारे पास पोहा डालने की बारी आती है हम पहले पोहा को सोक करके या गीला करके रखते हैं। आपको रोटी के ऊपर जब आपने अपने पाउडर या फिर छोटे शेप में काट लिया तो उसके बाद उसको गीला करने की हमको जरूरत नहीं है, हम उसके ऊपर पानी का छींटा मारेंगे और मिक्स करेंगे और जब हमारे वेजीज फ्राई हो जाते हैं उसके बाद हम ये जो रोटी का हमने पाउडर बनाया है उसको हम वेजीज के साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से एक मिनट तक आप ढक के उसको पकाइए। उसके बाद आप ढक्कन को जब खोल के देखेंगे, हल्का सा आप टच करके देखिए कि कितना ड्राई है और कितना गीला है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप और एक बार पानी का छींटा लगा सकते हैं और उसके बाद आपका पोहा तैयार है, डिलीशियस पोहा रेडी। नेक्स्ट है, अगर आप एग यूज करते हैं तो आप रोटी को एग के साथ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डिशेस बना सकते हैं। एग को हम कैसे यूज कर सकते हैं रोटी को, तो पहला है कि अगर आप रोटी को, पहला है आप पूरी रोटी को ले लें और एग का आप जैसे ऑमलेट के लिए हम उसको तोड़ करके मिलाते हैं उसी तरह से मिला लें और हम इसको फ्रेंच टोस्ट जैसे ब्रेड के साथ बनाते हैं वैसे ही हम रोटी को एग में डिप करेंगे और आप इस तवे पे डाल करके सेक लें, तो ये ऑमलेट रोटी बन जाएगी। आपका पूरा एक रोटी जो है
अंडे में लपेट के पूरा अच्छे से इसको तवे पे सेक लें, और इसके ऊपर आप चाहें तो वेजिटेबल्स, सॉस ये सब डालकर आप खा सकते हैं। सेकंड है, रोटी को एग के साथ यूज करना है तो आप इसके स्ट्रिप्स काट लें, रोटी के स्ट्रिप्स छोटे छोटे लंबे जैसे भी शेप आप चाहें देना चाहें दें, और उनको एग में डिप करके जैसे हम एग की भुर्जी बनाते हैं, हम टमाटर, प्याज और नमक, हल्दी और जो भी वेजेस आपको पसंद है जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, जो भी आपकी पसंद की वेजेस है आप फ्राई करें, और साथ में रोटी के जो स्ट्रिप्स आपने काट के एग में डिप किए हैं उसको आप उसके साथ फ्राई कर दें, तो क्या होगा कि आपका वेज जो अंडे की भुर्जी की तरह रोटी एग भुर्जी बन जाएगी, क्रिस्पी भी हो जाएगा और वेजिटेबल्स के साथ आप इसको यूज करेंगे तो आपका एक अच्छा मील बन जाएगा। और आप बच्चों को भी दे सकते हैं, आप रोटी के स्ट्रिप्स काट लें, आप वेजिस के साथ ये जो आपने रोटी एक भुर्जी बनाया है आप चाहें तो इसको आप डिफरेंट तरह के सॉसेस यूज करें, जैसे कि आप पास्ता सॉस यूज कर सकते हैं, आप जैसे नूडल्स बनाने के लिए सॉस यूज कर सकते हैं, तो बच्चों को आप दे सकते हैं, आप कह सकते हैं ये घर का रोटी नूडल्स है, नाम देना होता है, बच्चे फिर खा लेते हैं। अगर जो लोग वेजिटेरियन हैं और एग नहीं यूज करना चाहते तो आप एग को बेसन से रिप्लेस कर सकते हैं। बेसन को हम पतला पतला सा उसका घोल बनाएंगे, काफी पतला घोल बनाएंगे, उसका टेक्सचर काफी पतला होगा ताकि वो मोटा ना हो, तो आप वैसे ही रोटी को यूज कर सकते हैं जैसे हमने एग के साथ यूज किया, पतला घोल बनाएंगे, आप पूरा रोटी को डिप करके तवे पे सेक लेंगे या स्लाइसेस या स्ट्रिप्स काट करके वेजीज के साथ आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। और हम सब जानते हैं फ्रेंड्स पराठे के बारे में, पराठा हमारा एक पूरा होलसम मील है, बहुत हमारे इंडिया के हर पार्ट्स में पराठा यूज करते हैं, बहुत तरह के स्टफिंग हम बनाते हैं, सत्तू का पराठा, आलू का पराठा, गोभी, वेजीज, कई तरह के वेजीज यूज करते हैं हम, तो एक और तरह का आपका रोटी और सब्जी का रिप्लेसमेंट। हम बची हुई रोटी का रोटी सैंडविच भी बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग, आप सब ने हो सकता है डोमिनोज का टैको खाया होगा। हम रोटी को क्या करेंगे कि पूरी रोटी को आप बीच से फोल्ड करते हैं तो एक हाफ रोटी का शेप बन जाता है, ये होता है टैको का शेप। तो आप क्या करेंगे, पूरी रोटी लेंगे, आप अपने पसंद के हिसाब से बटर या चीज को स्प्रेड करेंगे, और आपके जो चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स हैं उनको फ्राई करने के बाद या फिर लेफ्ट ओवर जो वेजेस है आपके घर पे, जो भी सब्जी है पसंद की, आप उसको डालिए और उसको आप फोल्ड कर दीजिए और दबा दीजिए, अच्छे से उसको प्रेस करेंगे हम, दबा देंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये खुल सकता है तो आप इसमें टूथपिक से इसको बंद कर सकते हैं और आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। इसमें आप सॉस अंदर भी स्टफिंग में भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप बच्चों को सॉस के साथ दे सकते हैं। आप इस तरीके से रोटी का सैंडविच बनाकर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रोटी का यूज आप कर सकते हैं रोल बनाकर। ऑफ कोर्स फ्रेंड आप जानते हैं रोल्स बना सकते हैं आप, बहुत सारे से वेजीज डाल करके आप कोई भी सॉस यूज करें, और अगर आपको कैरी करना है लंच में तो आप उसे फॉइल में पैक करें और उसके बीच में आप टूथपिक से उसको बंद कर दें तो आप कैरी कर सकते हैं। और स्वीट लवर्स के लिए मैं इस रोटी का भी एक और बहुत इंटरेस्टिंग डिश बन सकता है फ्रेंड्स, रोटी का लड्डू। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो रोटी के हम लड्डू भी बना सकते हैं। तो रोटी का लड्डू बनाने के लिए आपके पास अगर रोटी बच गई है काफी सारी, तो आपको मैं एग्जांपल शेयर करूंगी, लगभग 7 से 8 रोटी का आप ले लें। अगर आपको रोटी के लड्डू का टेक्सचर क्रिस्पी और रफ चाहिए तो आप इन रोटियों को पहले क्रिस्पी करके सेक ले मीडियम टू लो में तवे पे, और उसके बाद इसको छोटे टुकड़े करके आप एक तरफ रख लें, और इसमें हम कई सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश और छोटी इलायची या बड़ी इलायची आपकी चॉइस। आप इन्हें रोस्ट कर लें, आप घी रोस्ट भी कर सकते हैं, आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। इनको रोस्ट करने के बाद आप रोटी और ये ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में पीस लें। आप पूरा इसे पाउडर ना बनाएं, थोड़ा सा कोर्स्ड रखें इसे। उसके बाद एक कढ़ाई में 1/4 कप गुड़ या जागरी ले लें और उसको कढ़ाई में डालें। स्लो फ्लेम पे हम गुड़ को पिघलाएंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे। बेसिकली हमें गुड़ को पिघलाना है।
ऑफ कोर्स इसमें आप फ्रेंड्स अपने चॉइस के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप गुड़ को ज्यादा या कम कर सकते हैं। जब गुड़ अच्छे से पिघल जाता है तो आप उसको रोटी पे डाल लें, अच्छे से मिक्स कर लें और आप इसको लड्डू के शेप में बना लें, लड्डू बना लें, गोल गोल शेप देकर लड्डू बना लें और आप इसे एक हफ्ते तक फ्रिज में रखें और आप इस लड्डू को यूज कर सकते हैं। एक तरह से आपका प्रॉपर मील हो गया, आप ब्रेकफास्ट में यूज करें, स्नैकिंग के लिए यूज करें और आप इसे चाहें तो स्वीट डिश की तरह यूज कर सकते हैं। तो आपका एकदम हेल्दी और सुपर फूड बनकर तैयार है रोटी के लड्डू। फ्रेंड्स आज रोटी के बारे में इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर से मैं एक नई रेसिपी के साथ आऊंगी, तब तक के लिए नमस्ते। रसोई के रहस्य का लिसनर्स कंट्रीब्यूशन का ये एपिसोड यहाँ तक, हमें जरूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा और हमसे जुड़े रहिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इस एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी सुनते रहिए रसोई के रहस्य।